हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि आज IBPS PO PRE 2018 की एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है, तो जिन भी कैंडिडेट ने ये एग्जाम दी है उन सबको IBPS PO PRE 2018 की कट ऑफ का बेसब्री से वेट होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि IBPS PO PRE 2018 में कितनी कट ऑफ जा सकती है। साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो IBPS PO मेंस 2018 के सिलेबस और IBPS PO मेंस 2018 की तैयारी कैसे करें के बारे में डालने वाला हूँ। तो जिन कैंडिडेट का IBPS PO PRE का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ उनको नोटिफिकेशन उसको मिल जाए। दोस्तों, मैं खुद भी IBPS PO से सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच मैनेजर हूँ। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अब कट ऑफ के बारे में। तो पिछले साल जो IBPS PO PRE 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल 3700 के लगभग पोस्ट थी। उसके लिए 20 गुना कैंडिडेट को IBPS ने क्वालिफाई किया था 75,000 के लगभग। तो इस बार टोटल पोस्ट है IBPS की पिछली बार के मुकाबले 700 पोस्ट के लगभग ज़्यादा है, 4,252 पोस्ट है इस बार टोटल। तो इस हिसाब से IBPS लगभग 85,000 कैंडिडेट को मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। तो इस हिसाब से देखें तो पिछली बार के मुकाबले कट ऑफ ज़्यादा है, तो कैंडिडेट भी मेंस के लिए ज़्यादा क्वालिफाई होंगे। लगभग अगर रेशियो देखें तो 16 से 20 लाख के लगभग कैंडिडेट को की एग्ज़ाम देने की उम्मीद है IBPS PO PRE 2018 की। तो उस हिसाब से देखें तो 85,000 अगर उनमें से पास करेंगे तो लगभग पर 20 कैंडिडेट में से एक का रेशियो रहेगा, पर 20 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। अब मेन से इंटरव्यू के लिए 3 गुना क्लियर करते हैं, वो बाद की बात है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो जो पिछली बार जो पेपर हुआ था IBPS का, उसमें सभी शिफ्टों में पेपर या तो मीडियम कैटेगरी का आया था या टफ आया था, जबकि इस बार देखें तो सभी शिफ्टों में या तो पेपर ईजी था या फिर मॉडरेट था, मतलब मीडियम था। तो इस हिसाब से अगर कट ऑफ देखें तो पिछली बार के मुकाबले कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाने के पूरे चांस है। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताऊं जो कट ऑफ पे काफ़ी बड़ा इफेक्ट डालेगी वो है सेशनल टाइम। पिछली बार टोटल 60 मिनट थे वो तीनों सब्जेक्टों के मिला के थे, इंग्लिश मैथ और रीजनिंग तीनों के मिला के 60 मिनट थे। इस बार इन लोगों ने क्या किया, IBPS वालों ने टोटल 20 मिनट मैथ के लिए रखे हैं, 20 मिनट इंग्लिश के लिए रखे हैं और 20 मिनट रीजनिंग के लिए रखे हैं। तो इस चीज़ से उन कैंडिडेट को काफ़ी लॉस हुआ है जिनकी इंग्लिश वीक है, क्योंकि वो हर बार क्या करते थे कि इंग्लिश में इतने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते थे जिससे वो इंग्लिश को आराम से क्वालिफाई कर जाए, और जो इंग्लिश में जो टाइम बच जाता था वो मैथ और रीजनिंग में दे देते थे। लेकिन इस बार वो लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो इससे थोड़ा कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। और दोस्तों, साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये इस बार जितने भी पेपर आए हैं, या तो किसी शिफ्ट में टफ आया है पेपर, किसी शिफ्ट में इजी आया है, तो इनको बराबर करने के लिए IBPS नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएगा। मतलब जिस शिफ्ट का पेपर टफ आया है उसके कैंडिडेट के नंबर बढ़ा दिए जाएंगे उसी रेशियो में, और साथ में जिस शिफ्ट का पेपर बिल्कुल इजी आया है तो सभी कैंडिडेट के नंबर उस रेशियो में कम हो जाएंगे जिन्होंने इजी शिफ्ट वाली पेपर में एग्ज़ाम दिया है। तो आप ये मान के चलिएगा जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तो जितने मार्क्स आपके अभी काउंट हो रहे हैं उसमें मार्क्स घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, वो IBPS की नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से। तो अब हम देखते हैं पिछले टोटल वैकेंसी कितनी है इस बार कैटेगरी वाइज। इस बार टोटल जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो है SC के लिए है 619 पोस्ट, ST के लिए है 297 पोस्ट, OBC के लिए है 1237 की, और जनरल के लिए है 2099। टोटल मिला के इस बार 4,252 पोस्ट है। आप सबको पता है कि इसमें लेडीज और जेंट्स की अलग अलग कैटेगरी नहीं होती है, ये कंबाइंड कैटेगरी है, इसमें लेडीज और जेंट्स दोनों आ गए। और अगर बैंक वाइज देखें दोस्तों, तो इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया,
अलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, PSB, इन सब ने अपनी अपनी वैकेंसी डिक्लेयर कर दी है। इनके अलावा जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है उनमें ज़्यादातर ने अपनी वैकेंसी नील करके डिक्लेयर की है। दो बैंकों की वैकेंसी अभी तक IBPS के पास नहीं पहुंची है। अगर उन बैंकों की तरफ से कुछ वैकेंसी आ जाए तो इसमें और भी वैकेंसी ऐड हो सकती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सिंडिकेट बैंक, ये दो बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी वैकेंसी की सूचना IBPS को नहीं भेजी है। बाकी के इन सात बैंकों के अलावा बाकी के जितने भी बैंक थे उन सब ने अपनी नील वैकेंसी की सूचना IBPS को भेजी है, लेकिन सिंडिकेट बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वैकेंसी की सूचना अभी तक IBPS को प्राप्त नहीं हुई है। अगर हो सकता है उनसे अगर 500-600 पोस्ट मिल जाए तो ये 5000 के लगभग टोटल पोस्ट हो सकती है। अब देखते हैं हम टोटल टाइम, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इस बार टोटल जो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन थे वो 30 मार्क्स के थे, वो 20 मिनट में करने थे। टोटल सेशनल टाइम सभी सब्जेक्ट का अलग कर दिया, 20 मिनट इंग्लिश के लिए, 20 मिनट क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए, 20 मिनट रीजनिंग एबिलिटी के लिए। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार टोटल मिला के 60 मिनट थी, यह जो ड्यूरेशन था वो टोटल 60 मिनट था, लेकिन इस बार उन्होंने सेशनल वाइज 20-20 मिनट के हिसाब से तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। तो इस चीज़ का भी जो कट ऑफ पे है ना काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। टोटल इस बार 100 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, मैथ के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से। तो उसमें से अगर जो कट ऑफ पिछली बार की अगर हम कट ऑफ देखें तो पिछली बार टोटल जो कट ऑफ गई थी वो बहुत कम गई थी, क्योंकि इसका मेन रीज़न क्या था कि पेपर सभी शिफ्टों में पिछली बार बहुत टफ था। तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो थी 42.75 जनरल की गई थी, और OBC की कट ऑफ गई थी 42.25, मतलब ओनली आधा नंबर का डिफरेंस था OBC और जनरल की कट ऑफ में। इसके अलावा SC की कट ऑफ थी 36 मार्क्स, ST की 28.50 मार्क्स। और अगर पिछली बार के मुकाबले इस बार देखें तो इस बार पेपर इजी था, हालांकि पोस्ट पिछली बार से ज़्यादा थी और सेशनल जो टाइम था उसका भी कट ऑफ पे इफेक्ट रहेगा, इसलिए पिछली बार से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चार पाँच नंबर पिछली बार से कट ऑफ ज़्यादा रहने के चांस मुझे लग रहे हैं। अगर पिछली बार के सब्जेक्ट वाइज देखें तो इंग्लिश में जनरल की कट ऑफ थी वो 5 नंबर थी, मैथ में 7.75 थी और रीजनिंग में 10 नंबर थी, और जो ओवरऑल थी जनरल की कट ऑफ वो 42.75 थी। तो इस बार देखते हैं कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं हम इस साल कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो इस साल मेरे हिसाब से जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो 47 से 52 के बीच में रहेगी। 52 से अगर किसी के अबोव है तो वो पूरी तरह से सेफ है, उसके अलावा कट ऑफ 47 से 52 के बीच में रह सकती है। OBC की कट ऑफ 42 से 47 के बीच में रहने की संभावना है। जो SC कैटेगरी की कट ऑफ है वो 32 से 37 रहने के चांस है, और ST की जो कट ऑफ है वो 29 से 34 रहने के चांस है। अगर सेशनल वाइज देखें तो इंग्लिश की कट ऑफ जनरल की 30 में से 8 मार्क्स के ऊपर है तो वो सेफ है, और अगर मैथ के लिए देखें तो 30 में से 11 नंबर से ज़्यादा वाला सेफ है, और रीजनिंग की देखें तो 30 में से 11 नंबर वाला सेफ है। ओवरऑल टोटल 47 से 52 जनरल की कट ऑफ। अगर ये OBC की देखें तो OBC में जिसके इंग्लिश में सेशन 7 नंबर से ऊपर है वो सेफ है, और मैथ में 11 नंबर से ऊपर वाला सेफ है, रीजनिंग में 11 नंबर से ऊपर वाला सेफ है। SC के लिए देखें और ओवरऑल देखें OBC की 42 से 47। SC कैटेगरी के लिए अगर देखें तो इंग्लिश में जिसके 5 मार्क्स आ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट वाइज क्लियर हो जाएगा, 10 मार्क्स आ रहे हैं मैथ में और रीजनिंग में 10 मार्क्स आ रहे हैं तो वो भी सब्जेक्ट वाइज क्लियर हो जाएगा, और ओवरऑल 32 से 37 SC की कट ऑफ रहने के चांस है। और ST और SC की जो सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ है वो सेम रहने के चांस है,
और एसटी की ओवरऑल जो कट ऑफ है 29 से 34 रह सकती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर देना। और जो भी कैंडिडेट का पेपर अच्छा हुआ है उनको IBPS PO मेंस 2018 के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों।